फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑफसेट के बारे में, ठीक है, कि ऑफसेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पाइप जो है आया हुआ है उधर से, और उसको हमें कनेक्ट करना है, इसमें देख सकते हैं, इस फ्लांज में, फ्लांज के साथ में कनेक्ट करना है। थोड़ा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक इधर से पाइप आया हुआ है, और इसको जो है ऑफसेट में इसको ऑफसेट मार के यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसका ड्राइंग भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर का ये पाइप दिख रहा है आपको, और ये फ्लांज के साथ में जो पाइप अटैच है, मतलब कि ये वाला, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से लाइन जो है ऐसे करके लेके जाना है, और इसको फ्लांज में, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऑफसेट बना के इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे टॉप से मैंने एक प्लम गिराया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया है, इसका जो पाइप का जो टॉप है वहां से मैंने लाइन डोरिया से बांध दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वाटर लेवल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वाटर लेवल ट्रांसफर करने से फायदा यह है कि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल बराबर एक्यूरेट आएगा, 0-0 आएगा, और लाइन डोरी से आपका मेजरमेंट कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको वाटर लेवल ट्रांसफर करना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पाइप फिटर ट्रेनिंग का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने जो है सब कुछ बताया हुआ है, तो देखने से आपको बिल्कुल मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लगभग हमारा 340 mm आ रहा है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल का मेजरमेंट है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेंटर टू सेंटर मैंने इसका मेजरमेंट किया हुआ है, ठीक है। लाइन डोरी मैंने टॉप टू टॉप में बांधा हुआ है, लेकिन सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए आप टॉप टू टॉप बांध सकते हैं, या फिर बॉटम टू बॉटम अगर आप लेंगे तो आपका सेंटर टू सेंटर का मेजरमेंट आ जाएगा, सेम रहता है तीनों, टॉप टू टॉप सेम रहेगा, बॉटम टू बॉटम सेम रहेगा, और सेंटर टू सेंटर भी सेम ही रहता है। मतलब कि यहां से मैंने पकड़ा था, तो ये हो गया हमारा 340, ओके। अब चलिए देखते हैं कि इस पाइप से लेके इस पाइप तक का कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्लम गिरा के रखा हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पाइप से लेकर के और उस प्लम तक देख लेंगे कितना है। ओके, तो देख सकते हैं लगभग हमारा 390 mm आ रहा है, इस पाइप से लेके वो जो मैंने प्लम गिराया हुआ है ऊपर से वहां तक हमारा लगभग 390 mm आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 390 mm। इधर से लेके और ये मैंने प्लम गिराया हुआ है यहां से ऐसे, ठीक है, ये है हमारा 390 mm, ओके। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है और यहीं पे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये हमारा 390 है और ये हमारा 340, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 50 mm माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 340 mm। अब 50 mm माइनस मैंने क्यों किया, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा डालूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और इधर भी एक छोटा टुकड़ा रहेगा। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो समझ में अभी नहीं आ रहा है तो टेंशन ना ले, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और ऐसे हमारा पाइप रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ऐसे पाइप रहेगा और ऐसे पाइप रहेगा, मतलब कि
फैब्रिकेशन हम इतना पार्ट का करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला पार्ट से लेकर के यहाँ तक हम फैब्रिकेशन करेंगे, और इसको हमें जो है इरेक्शन में ये जॉइंट हमको करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा कितना हो गया, 340 ये भी हो गया और ये भी 340 हो गया, मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस 340 हो गया। तो अब हमें 340 लेके चलना है, 390 अब हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का ऑफसेट। तो इस वीडियो में मैं आपको 45 का ही बताऊंगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में आपको मैं अलग अलग ऑफसेट के बारे में बताऊंगा, साथ ही मैं आपको डबल ऑफसेट के बारे में भी बताऊंगा। तो इसलिए अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और अगर आपने हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है इसका सिर्फ मेजरमेंट लिया है, अभी डिग्री कैसे निकालना है, 45 डिग्री आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। और प्लस में जो हमारा ट्रेवल का जो पीस है, इसको बोलते हैं ट्रेवल पीस, ये हमारा कितना है वो भी अभी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ऐसे है, ये है हमारा 340 और ये भी है 340, ओके। तो डिग्री देखना है कि ये कितना डिग्री में है, ओके, ये और ये वाला। तो डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब हिंदी में इसको बोले तो लंब बाय आधार। तो लंब है हमारा 340 और आधार भी है 340, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उस पे जो है आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है डिग्री कैसे निकालें, उसको आप देखिएगा तो आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सब टेन इनवर्स क्या है, वन क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 45 डिग्री हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, तो मतलब कि 45 डिग्री आ रहा है हमारा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, डिग्री कैसे निकाले उसको देखिएगा तो आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब डिग्री हमारा निकल चुका है, अब हमको ट्रेवल पीस निकालना है। तो ट्रेवल पीस निकालने के लिए उसका भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो ट्रेवल पीस निकालना है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 340 का स्क्वायर और 340 का स्क्वायर, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एक झलक, ताकि समझने में आपको और आसानी हो जाए। 340 का स्क्वायर करते हैं प्लस, डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे 480 mm इसका आंसर आ जाएगा, ओके। मतलब कि जो हमारा ट्रेवल पीस का जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 480 mm। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे कटिंग करना है वो आप समझ लीजिए।